करने को मैं पूरी तरह डिपेंड करूँ। चार से नंबर में मुझे गन्ना लगाया, गन्ना है मेरा 8 फीट पर, तो बेस का गैप जो है वो 8 फीट पर है, तो बेस की दूरी है उसकी डिस्टेंस वह है 2.5 फीट। मतलब सिंपल अपना वो इलेजर पुराने वाला अपना ही ट्रैक्टर, छोटे यंत्र की किसी की कोई जरूरत नहीं। मेरा नाम रोहित भाई, गाँव की पास के गाँव से हूँ, ये लगा के सर जाते भी रहते हैं। पूरा कटाई होगी और गन्ने की, गन्ना कितना बड़ा हो जाएगा, धान कितना बड़ा होगा। अगर गन्ना बड़ा हो जाता है धान से तो अंदर हवा बंद होती है, हवा बंद होगी तो उसमें कीड़े बीमारियां ज्यादा लगेगी, ठीक है ना। इसलिए कहा जाता है धान लाइन लगाओ तो उसमें प्रॉपर कीड़े बीमारी कम लगती है। ये तो नया प्रयास है, जल्दी ये हो सकती है, आप जरा इसको थोड़ा सा समझ वो करो, और अगर अच्छी चीज आती है तो वो चीज आगे लागू भी होती है। अब आप बताओ, अब आपका जो है आमदनी। मेरा नाम रोहित भाई, गांव में पास के गांव से हूँ, ये लगा के सर जाते भी रहते हैं। थोड़ा ये था कि जमीन कम है, इस वजह से ये प्रयास किया कि भाई हर फसल कम है मजा ले, ऐसा नहीं है कि गन्ने को मैं पूरी तरह डिपेंड करूँ। चार सितंबर को मुझे गन्ना लगाया, गन्ना है मेरा 8 फीट, तो बेस का गैप जो है वो 8 फीट पर है, तो बेस की दूरी है उसकी डिस्टेंस वह है 2.5 फीट। मतलब सिंपल अपना वो इलेजर पुराने वाला अपना ही ट्रैक्टर, छोटे यंत्र की किसी की कोई जरूरत नहीं। उसमें मुझे कच्चा वो खोदा शुरू में, वो जब लगाया तो टाइम बरसात बहुत ज़्यादा हो गई थी, वो कुछ बीज उसमें का खराब हुआ, मन माफी उत्पादन नहीं मिला। वो खोदने के बाद मुझे नवंबर में बहुत ज़्यादा बीज नवंबर को बच गई, तो उसमें सही बात लेके होने लगा गेहूँ बोलने के डाले ना 5 क्विंटल का बेगा। सर भी जान गया सुधीर जी को, उन्होंने ही निकाल लिया था, ऐसा कि कोई झूठ बड़े बात नहीं मत फेंक। तीसरा सुधीर चाचा जी तेरी बात हुई थी, मैं कहा भाई मैं क्या करा, मैं कहा दान लगाऊंगा, अब दान लगने में होने का नहीं, तो नहीं होने का और बस होता नहीं, कोई मतलब प्रमुख कारण नहीं था जिस वजह से ये कहते हैं होता नहीं। 8 फीट की उसकी दूरी है, अपने एक सिंपल टैग करते हैं, मैं अंदर 200 रुपया था नो टैन का टीला, उसने मुझे उसकी जुताई करी। जुताई करने के बाद फिर मुझे उसमें पैडी लगाया, टूल कैट में मुझे ट्रैक्टर का टूल लिखा कि उसकी पाटा लगाया कोई एक पोल पर फेर देते सर क्या है पैडी की और उसकी दोनों की अलग अलग है, गन्ने तो कहीं ज्यादा जरूरत है नहीं पैडी की। दूसरी उसमें जब एक फिट मिट्टी चढ़ी दोनों साइड पर मुझे वो बंद कर दिया, इधर भी मिट्टी का रहेगा एक फिट इधर भी, दोनों साइड पर बंद हो गया, उसमें कहीं पैडी जाने की जगह उसमें है। और बात ये दीपक भाई यहाँ की सुवाड़े ये बाद में गए थे, मतलब भरे खेत में पैड़ी में ये अंदर घुसा है, मुझे लाइन में जुत्ती निकल रहा है, उसमें कहीं पैड़ी की कौन थी ये भी जो करने की हाइट है, मेरी हाइट तो ही हुआ ऊपर है, इससे भी इतना ऊपर करना मन है मेरा। अगर आप जाकर देखोगे मैं सबको आपको इन्वाइट करूँगा, ऐसा भी फोटो बोल रहे उसके फोटो भी हैं जो करने उसका है, मतलब फल है फोटो तो मैं अभी दिखा दूँगा आपको, 2.5 से 3 क्विंटल का होगा। और सर ये कह देना कि भाई छाया पड़ेगी उसमें रोग होंगे, बचत बहुत तजुर्बे का है, ऐसी बात नहीं है, उसमें रोग कुछ नहीं आया, टाइम चाहिए बस हर फसल क्योंकि भाई अभी रोग पर बंदर अभी तक तो नहीं आया ना, अभी तक भी नहीं आया सर, शायद ही आएगा क्योंकि हमको पकने की मतलब 10 से 15 दिन में उसकी कटाई हो जाएगी। 1500 में क्या? हाँ जी 1500 में भाई मैं परसों वीडियो बनाया था, एक मिनट देख रहे छोटे भाई आ गया के तैयार ही है कि मुझे भी लगाया भाई जैसे सब लगा, हां हां सेट है सेट है, भी थोड़ा बाद का है पर ये है कि उसका नहीं मतलब का तैयार इतना बुरा नहीं था, अगर तुम नहीं चाहते नहीं आप जगह बहुत करना भी लगाओ नहीं था बेकार नहीं है, तुमको देख लोगों ने हमने देखा तो बड़ा मजा उसके बाद जब तब जब गेहूँ कट जाएगा तो थोड़ा करना बड़ा हो जाता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता, लेकिन धान वाला जो इन्होंने किया है धान वाला उस समय तो चल जाएगा जिस समय इन्होंने बोया, अब नहीं हो अब नहीं, इस समय डबल चलेगा कैसे, एक तो बरसात का पानी और वो भरता है वो धान के ठीक है, अब गन्ने के तो इसी से ठीक रहेगा, इन्होंने खाद भी हिसाब से डाली होगी, ठीक है ना, गन्ने की बार बार देखी ना मिट्टी अच्छी है, गन्ने को कोई खाद नहीं दिया जो है वो सब अरे गन्ना आपको
खोया होगा तब तो नीचे खा दिया होगा, तब पूरा दिया था जो जितना आलू लगे थे आलू को करने को तभी साथ में मिला था। उसके बाद जब गेहूं तब का करने को कोई बैक्टीरिया नहीं थी, जो बाद गेहूं गया वो पानी दिया तो इधर मिला। आपने धान में डाला तो होगा, हाँ धानियों में इतनी डाली होगी, ऐसा नहीं आगे मुझे पर्सनली करने को कुछ दिया है, यूरिया भी तो डाली होगी, करने को कुछ नहीं डाला जरूर।